हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पेपर थर्ड की हम लोग बात करेंगे। पेपर थर्ड है अप्लाइड जियोलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। तो इसको कहा जाता है अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र, व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी। अब इसके अंदर देखो कि इसका जो पेपर होता है उसका टाइमिंग ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का होता है। पेपर थर्ड है ही हमारा। और ये कितने नंबर का होता है? 34 नंबर का होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 34 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 34 नंबर का पेपर होता है। अब इसके अंदर देखो कि यूनिट फर्स्ट की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। किसकी? यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एपिकल्चर क्या है। एपिकल्चर किसको कहा जाता है? बी कीपिंग को कहा जाता है, यानी मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपिकल्चर। मधुमक्खी पालन की विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखो सबसे पहले इसमें किस तरीके से आंसर देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि एपिकल्चर क्या है। इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों का पालन करना एवं उनसे प्राप्त उत्पाद मोम व शहद प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है। अब उसके बाद में बोला इसने मधुमक्खी पालन। देखो मधुमक्खी पालन होता है बी कीपिंग जिसको कहा जाता है वो दो मेथड्स के द्वारा किया जाता है। एक तो होता है ओल्ड इंडिजिनस मेथड जो पुरानी विधि है भारतीय, और एक होता है न्यू साइंटिफिक मेथड होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली बी हिव्स तैयार किया जाता है, कृत्रिम छत्ता तैयार किया जाता है। और जो ओल्ड इंडिजिनस जो मेथड है उसके अंदर तो क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं या फिर बाद में जैसे प्लांट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर क्या होता है स्वेच्छा से मधुमक्खी जाके खुद बैठती है और फिर बाद में छत्ता बनाती है। अब देखो खुद स्वेच्छा से जाके बैठेगी और फिर उसको क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में पूरा जो छत्ता होता है वो खराब हो जाता है। खराब होने के बाद में दोबारा से मधुमक्खी जाके दूसरी जगह बैठेगी और फिर उसके बाद में क्या होगा? छत्ते को तैयार करेगी। तो इसमें क्या होता है? टाइम भी ज्यादा लगता है और शहद भी कम मात्रा में प्राप्त होता है। अब इसके अंदर देखो कि क्या होता है कि न्यू साइंटिफिक मेथड होती है उसके अंदर क्या होता है? एक लकड़ी का बॉक्स होता है। क्या होता है? एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? चैम्बर्स लगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बॉक्स बनाए जाते हैं उसमें आयरन की जाली लगा दी जाती है। इस तरीके से आयरन की जाली लगा दी जाती है। ब्रॉड चैम्बर होता है, सुपर चैम्बर होता है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट होते हैं। उसमें एक के अंदर क्वीन रहती है और एक के अंदर वर्कर्स रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर आयरन की जाली लगा के और फिर बाद में इसके क्या ऊपर क्या कर दिया जाता है? वैक्स का लेप कर दिया जाता है। इसके ऊपर क्या कर देते हैं? मोम का आवरण चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर फिर बाद में क्या होता है कि वर्कर्स और क्वीन रहते हैं। तो ब्रॉड चैम्बर ऊपर रहता है, सुपर चैम्बर नीचे रहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो चैम्बर्स होते हैं वो बना दिए जाते हैं और इसके अंदर आयरन की जाली लगा के और वैक्स लेप कर दिया जाता है उसका। अब इसको क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से चैम्बर होता है, ठीक है, बक्सेनुमा पेटीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको इजिली क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई रीजन है, ठीक है, राजस्थान का एरिया है। अब वहां पे सरसों का जैसे प्लांटिंग जो प्लांट्स होते हैं उस टाइम पे क्या होता है? अच्छी मात्रा में मकरंद प्राप्त हो जाता है। अब वहां पे फ्लोरिंग खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग के बाद में दूसरी जगह पे उसको ट्रकों के अंदर ले जाके और वहां जहां पे फ्लोर्स होते हैं, फूल होते हैं, वहां पे ले जाके इन बॉक्सों को रख देते हैं। और इनको क्या किया जाता है? जो हनीबीज होती हैं उनको जो चीनी होती है उसका घोल दिया जाता है। इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं इनको क्या माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं? इनके माउथ पार्ट्स होते हैं चेविंग एंड लेपिंग टाइप्स के। चेविंग चबाने वाले, लेपिंग यानी चाटने वाले क्या होते हैं? मुखांग पाए जाते हैं इनके अंदर। अब जो हनी बी होती है तो आप लोग उसको नॉर्मली डायग्राम बना के इस तरीके से ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं नॉर्मली। अब इसका ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, एब्डोमेन वाला हिस्सा। और एब्डोमेन के अंदर क्या होता है? स्टिंक एब्डोमेन के अंदर ही पाया जाता है, यहाँ पे यहीं पे पाया जाता है। अब ये इसकी आईज हो गई, ये इसके एंटीनास हो गए इस तरीके से, और ये थोरेक्स वाला पार्ट होता है, 3 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ रहता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ये इसका अलग से भी वीडियो मैंने बना के और समझा रखा है, ओके। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विंग वेरिएशंस कर देते हैं। इसका विंग वेरिएशंस देखो, ऊपर वाले होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और नीचे वाले कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। फोरविंग और हाइंड विंग जिनको बोला जाता है, ठीक है, फोरविंग और हाइंड विंग ये इस तरीके से बना दिए। और ये मेम्ब्रेनस जो विंग्स होते हैं, देखो इसको ये तो लिख दिया आप लोगों ने। इसके बाद में देखो
इसमें एपिकल्चर लिख दिया क्या होता है, उसके बाद में लिखो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज लिखो। फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास क्या होती है इंसेक्टा होती है, और ऑर्डर क्या होता है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनो का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, और पटेरा यानी विंग्स, टेरा का मतलब क्या होता है विंग्स। और उसके बाद में होता है कि जो फैमिली होती है एपिडी होती है, और एपिस होता है इसका जीनस, और इंडिका होती है इसकी जो स्पीसीज होती है। देखो डिफरेंट टाइप्स की इसमें स्पीसीज पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया फ्लोरेला, ये चीजें इसके अंदर पाई जाती है, तो आप लोग लिख सकते हैं इनके बारे में। तो ये बात हो गई। और शेविंग एंड लैपिंग टाइप के इनके अंदर मुखांग पाए जाते हैं। हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसका अलग से वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, वहां से आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रेशम कीट पालन, जिसको सेरिकल्चर कहा जाता है। क्या होता है रेशम कीट पालन को विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब देखो जिस प्रकार से एपिकल्चर का बोला था ना हम लोगों ने कि आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा रेशम कीट का पालन करना एवं उनसे प्राप्त उत्पाद, उत्पाद क्या होता है थ्रेड, धागा होता है, तो उसको प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, एक तरीके से सेरिकल्चर कहलाता है। अब रेशम कीट पालन की डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिज्म होती है, विधियां होती हैं किस तरीके से इनको पाला जाता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है कि बाइटिंग एंड चेविंग, जो इसका लार्वा होता है ठीक है, उसमें बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के क्या होते हैं इसके अंदर उखांग पाए जाते हैं। और इसका जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कैटरपिलर। कैटरपिलर के जो नॉर्मल आकार होता है वो इस तरीके का होता है इसके अंदर कैटरपिलर का, वो सबसे ज्यादा फीड करता है इसके अंदर। कैटरपिलर होता है ना वो क्या करता है सबसे ज्यादा इसके अंदर फीड करता है। नॉर्मली रफली डायग्राम हम लोग बना देते हैं इसका, और लगभग 12 सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं का क्या किया जाता है कि पालके और फिर बाद में जो ये लार्वाज होते हैं ना लार्वी, इनके लेग्स पाए जाते हैं इधर, ठीक है। और इनके अंदर 5 times मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग का मतलब वो होता है इसमें निर्मोचन। निर्मोचन का मतलब इनमें जो ग्रोथ होती है ठीक है वो 5 times तक होती है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है ये, और स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का रहेगा, काफी ज्यादा मात्रा में फीड कर लेते हैं। फीड करने के बाद में क्या होता है इसके अंदर चारों तरफ ये क्या करते हैं अपनी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा अपनी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा क्या कर लेते हैं चारों तरफ थ्रेड का निर्माण कर लेते हैं, धागे का कोकून का निर्माण कर लेते हैं, उसको बोला जाता है कोकून, ठीक है। स्टार्टिंग में एक एक हैच आउट होने के बाद में लार्वा निकलती है कैटरपिलर जिसको कहा जाता है। 5 times मोल्टिंग होता है इसके अंदर। उसके बाद में क्या करता है ये धीरे धीरे प्यूपा का फॉर्मेशन कर लेता है। प्यूपा यानी एक तरीके से डेवलपमेंटल स्टेज चल के आगे होता है इसके अंदर, कंप्लीट डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आगे चल के ये कोकून का फॉर्मेशन कर लेता है, चारों तरफ धागे का निर्माण कर लेता है, एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, गोलिकानुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है एडल्ट होके और इसको कट लगा देता है किसी भी पार्ट से जहां से ये बाहर निकलता है। तो इसको क्या किया जाता है इन कोकून्स को ही गर्म पानी के अंदर क्या कर दिया जाता है डाल दिया जाता है ताकि वो क्या हो अच्छी तरीके से थ्रेड धागा प्राप्त कर ले, जो भी मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है इसको। इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, ओके। और ये क्या होते हैं कि मौत होती है, ये क्या होती है मौत। मौत और बटरफ्लाई में ये डिफरेंस होता है, मौत होती है ना वो नॉक्टर्नल होती है रात्रिचर होती है, और डायुर्नल कौन होता है बटरफ्लाई होती है तितली होती है। तो ये जो रेशम कीट का जो पालन किया जाता है तो रेशम कीट क्या होता है एक तरीके से मौत होता है, ठीक है। और ये एडल्ट जो कहा जाता है, और ये कैसा रहता है एक तरीके से नॉक्टर्नल होता है रात्रिचर होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये तो इतना बात कर लिया, इसके बाद में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसके अंदर ए है मछली पालन जिसको कहा जाता है मत्स्य संवर्धन तकनीक, ठीक है। अब मत्स्य पालन किस प्रकार से किया जाता है, मछलियां होती हैं ठीक है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है छोटी छोटी मछलियों को लिया जाता है, ठीक है। अब इनको लेने के बाद में क्या करते हैं कि इनके लिए अलग से टैंक्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे टैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा बड़ा फिर बड़ा इस तरीके से। और इसका निकास के लिए अलग से पाइप नुमा स्ट्रक्चर लगाई जाती है निकास के लिए, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टैंक्स बनाए जाते हैं इनके लिए, ठीक है, ताकि क्या हो छोटी मछलियां इसमें रखें फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की क्या किए जाते हैं टैंक्स बनाए जाते हैं इनके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व है, जो प्रोटोजोअंस होते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनका जो इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस होता है वो क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कुकुट पालन, कुकुट किसको कहा जाता है मुर्गी पालन को, पोल्ट्री कीपिंग होता है ना उसको कहा जाता है। तो उसमें किस तरीके से जो मचान होती है या फिर बाद में जो
पोल्ट्री कीपिंग के लिए जो हट तैयार किया जाता है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, या फिर बाद में जो चूजे होते हैं, ठीक है, चिक्स होते हैं, उनको किस प्रकार से न्यूट्रिशन देना चाहिए, तो वो सारी चीजें लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है डी है प्रोन संवर्धन, जो प्रोन कल्चर होता है, ठीक है, प्रोन को झींगा भी कहा जाता है, पेलियोमोन भी कहा जाता है, ये अलग अलग नामों से आ सकता है, मेनली तो प्रोन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्रोन के नाम से भी आ सकता है, तो प्रोन कल्चर होता है, इसको एजी न्यूट्रिशन के रूप में भी खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो यूनिट फर्स्ट थी उसकी हम लोगों ने बात कर ली, किस तरीके से आप लोगों को करना है नॉर्मली मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट बात कर देंगे हम लोग, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। अब देखो सेकेंड यूनिट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ए है फिरोमोन्स, जो फिरोमोन्स होते हैं उनके बारे में बताना है। इसके बाद में है बी सहज मोचन प्रणाली की अवधारणा, कि सहज मोचन प्रणाली होती है उसकी अवधारणा क्या होती है। इसके बाद में है चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। नेक्स्ट है फ्लक्स टॉयलेट प्रारूप, और लास्ट है इसके अंदर अधिगम अवधारणा, इस क्वेश्चन का। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर हिरण की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, जो हिरण होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से झुंड के अंदर रहते हैं, कोई भी झुंड में चलते हैं ताकि वो क्या हो रहे प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, तो उसका किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था होती है, सामाजिक संगठन होता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर बताना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें ए है स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा, बी है ध्वनि उद्दीपनों द्वारा संचार, जो ध्वनि उद्दीपन है तो ध्वनि उद्दीपनों के अंदर क्या किया जाता है, जिसे साउंड करते हैं, ठीक है, अलार्मिंग होता है, अलार्मिंग किस प्रकार से, जिसे बंदर होते हैं, तो बंदर क्या करते हैं, एक तरीके से मंकीज झुंड के अंदर रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर, और ऐसे मान लो कि इंडिविजुअली कोई भी है तो वो क्या करते हैं, अलार्म करते हैं ताकि वो दूसरे अपने कैंडिडेट्स को क्या करें, कम्युनिकेशन कर सके, यानी कि उनको बता सके कि यहाँ पे एक तरीके से खतरा है या फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, आवाज करते, अलार्मिंग करते। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर जीवों में संप्रेक्षण की कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन, यानी मधुमक्खियां होती है उसमें किंग होता है, क्वीन होता है, जिसको किंग को ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक है, और इसके अंदर क्वीन होती है, क्यों होती है। अब इसके बाद में है वर्कर्स होते हैं उसके अंदर, जो क्या करते हैं पूरे छत्ते के अंदर फूड न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। न्यूली जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैवेंजर का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, और उसके बाद में जो एक सप्ताह के बाद के जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं। रानी को नाइट के अंदर रॉयल जेली दिया जाता है, जो हाईली डेवलप्ड हाईली प्रोटीन कंटेंट होता है उसके अंदर, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सर्कैडियन रिदम के उद्गम एवं नियंत्रण किस प्रकार से इसके अंदर होता है। तो ये बात हो गया सेकेंड यूनिट का। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करते हैं, यूनिट थर्ड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, बहुलक एवं माध्यिका को परिभाषित कीजिए तथा इसकी उपयोगिता पर एक लेख लिखिए या टिप्पणी लिखिए एक तरीके से। अब इसमें बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा, कि बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है, और इनकी उपयोगिता किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट है जैव सांख्यिकी के अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए, जो बायोस्टेटिक्स होती है, जैव सांख्यिकी होती है, वो किन किन फील्ड्स के अंदर यूज होती है, तो उन सभी के बारे में डिटेल से बताना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है बारंबारता सारणी क्या है, जो बारंबारता सारणी बनाई जाती है, उचित उदाहरणों की सहायता से खंडित अखंडित एवं संचयी बारंबारता सारणियों का निर्माण की विधि समझाइए, कि संचयी आवृत्ति किस प्रकार से तैयार की जाती है, या खंडित अखंडित बारंबारता सारणी किस प्रकार से तैयार करते हैं, इसका अलग से वीडियो आप लोगों को डाल रखा है, अपलोड करके उसको आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये है एक तरीके से जो डाटा, यानी कि मैथमेटिकली जो आंकड़ों के आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनके बारे में, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि समांतर माध्य होता है, इसके बारे में भी आप लोग को आंकड़ों से आधारित क्वेश्चंस, यानी कि जो डाटा है वो दे सकता है और इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है। माध्यिका है, इसके बारे में भी पूछ सकता है, और बहुलक, बहुलक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो ग्रुपिंग मेथड है, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर्वाधिक रूप से ग्रुपिंग मेथड होती है उसके बारे में सर्वाधिक रूप से पूछा जाता है। इसके बाद में है पाई डायग्राम, जो पाई डायग्राम होता है
गोलाकार आकृति के अंदर डिफरेंट अलग अलग जो अपार्टमेंट्स है वो बांट देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आवर्ती चित्र जिसको हिस्टोग्राम कहा जाता है, आवर्ती बहुभुज जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन कहा जाता है, और संचयी आवर्ती वक्र जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑब्यूज कहा जाता है। अब इसके अंदर देखोगे क्या होता है, इन तीनों के बारे में आवर्ती चित्र, आवर्ती बहुभुज और संचयी आवर्ती वक्र, इनके बारे में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं, क्या करते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर इन तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी डाटा दे रखा है हम लोगों को, इसके अंदर क्या करते हैं हिस्टोग्राम को डिनोट करना है, तो हिस्टोग्राम के अंदर ओनली फोर क्या होता है कि बार्स दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है रेंडमली होते हैं, इसमें अलग अलग गेप नहीं दिए जाते किस तरीके से। अब ऐसे मान लो ये एक बार हो गया, ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट बार इससे सटा हुआ आएगा, ठीक है, टच करते हुए ये दूसरा बार, ऐसे मान लो ये आ गया, इसके बाद में नेक्स्ट ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया, इस तरीके से ये बार्स बनाए, इसको तो बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसके बाद में ये तो वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये तो हिस्टोग्राम की बात होगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन के अंदर क्या किया जाता है सेंटर के अंदर पॉइंट लगा के, ठीक है, सेंटर जो बिंदु होता है और इनको क्या कर दिया जाता है मिला दिया जाता है, ठीक है, किस तरीके से, किस तरीके से मिला दिया जाता है इनको, ठीक है, ये मिला दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है ये ऑब्वियस होता है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं डॉट डॉट दर्शा देते हैं, इस तरीके से इस डाटा के अंदर डॉट डॉट दर्शा देते हैं, इससे सटी हुई लाइन, ये हो गया आप लोगों का तैयार तीनों, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑब्वियस, ये तीनों तैयार हो गए। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये वाले जो हम लोगों ने लिए हैं तो ये वाले क्या है आंकड़ों से आधारित क्वेश्चंस हैं, कौन से आंकड़ों पर आधारित, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न, इनके ऊपर क्या होता है डाटा दे देगा, डाटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस पूछेगा इनके बारे में, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके बारे में तो थ्योरीज वगैरह पूछेगा, ओके। तो ये हो गए आप लोगों का, थर्ड यूनिट की बात हो गई है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।